नोएडा में जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की धरपकड़ तेज की जा रही है, चाहे अलग अलग जगहों पर नोएडा में छापेमारी हो रही हो, लखनऊ में छापेमारी हो रही हो, और इसी बीच खबर यह है कि श्रीकांत त्यागी की दुकानों पर भी जीएसटी का छापा पड़ा है। इससे पहले सुबह से हलचल तेज थी क्योंकि जो फ्लैट था वहां अवैध निर्माण था और वहां सुबह ही दो बुलडोजर पहुंचते हैं और उस फ्लैट के अवैध निर्माण को हटा दिया जाता है। उसके बाद खबर यह आती है कि उत्तराखंड में वो मौजूद हो सकता है, वहां छानबीन होती है। ये जानकारी मिल रही है कि लगातार वो अपना जो लोकेशन है उसको बदल रहा है, उत्तराखंड से भी वो आगे कहीं चला गया है। पुलिस की आज टीम श्रीकांत त्यागी को ढूंढने में लगे। ये वही श्रीकांत त्यागी है जिसने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, अवैध निर्माण किया था और उसके बाद से फरार है। टीमें लगी हुई है, कोशिश हो रही है कि लगातार उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई की जाए और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। हालांकि डेडलाइन दी गई थी 48 घंटे की, वो भी तकरीबन पूरी होती हुई, लेकिन ऐसे में अभी तक गिरफ्तारी यानी पुलिस के हाथ नहीं आया है श्रीकांत त्यागी। हालांकि 25,000 रुपए का इनाम भी उस पर घोषित कर दिया गया था। तीन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अवैध निर्माण पर किस तरीके से सुबह ही बुलडोजर चला, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानों पर जीएसटी की रेड चल रही है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच आखिरी कोशिश ये भी कि इनाम घोषित कर दिया जाए, शायद तब वो हाथ लगे। 25,000 का इनाम भी श्रीकांत त्यागी पर लगाएगा। श्रीकांत त्यागी को लेकर के पुलिस की जांच लगातार तेज होती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है भंगेल मार्केट जो कि नोएडा की एक बड़ी मार्केट है और इस मार्केट के अंदर ये पूरा साम्राज्य श्रीकांत त्यागी का है, जहां पर कई सारी दुकानें हैं जिनसे मोटा किराया जो है वो श्रीकांत त्यागी को आता था, जिसका रसूख वो पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो दिखाते थे। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर जीएसटी की जो टीमें हैं वो पहुंची है, लगातार जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनसे पूछताछ की गई है और भी कई सारे लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे जिनसे पूछताछ जो है वो की गई है। ये लोग हैं, ये बताइए कि जीएसटी की टीम पहुंची थी, क्या पूछताछ हुई? ये सब इंक्वायरी हुई है कि इनकी कितनी जमीन है, कितनी इनकी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ इनकी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में पूछ के कितना इनका कमाई का स्रोत है। ये सब इंक्वायरी करके इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम और जीएसटी की टीम दोनों बातें करके गई है पूछताछ करके। कितनी प्रॉपर्टी है उनकी यहाँ पर? उनकी दादा लाई प्रॉपर्टी है, पृथक जमीन है उनकी यहाँ और सियानी में, दोनों में अच्छी खासी इनकी प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा इनका रेंट का हो जाता है, हिसाब किताब बढ़िया है इनका। बाकी अपनी इन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी अभी कोई नहीं खरीदी है, केवल ओमएक्स में जो फ्लैट लिए हैं वो ही लिए हैं इन्होंने और उसके बाद इनका और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। श्रीकांत त्यागी है, उनका रसूख जो है वो देखने को मिलता था, जो बीजेपी के मौर्य नेता के साथ उनके रिश्ते थे, उनका घर पे आना जाना था और लगातार उनके साथ यहाँ पर जो है वो मिलते जुलते थे। चुनाव लड़ने की बात भी जो है वो कह रहे थे कि चुनाव भी लड़ना चाहते थे। ये पूरा साम्राज्य आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कई सारी प्रॉपर्टीज है जहाँ पर श्रीकांत त्यागी को मोटा किराया जो है वो आता था। इसके अलावा गाजियाबाद के अंदर सियानी गाँव के अंदर भी उनकी कई सारी संपत्ति है जिसके यहाँ से भी किराया जो है उनको आता था, जिसका रसूख जो है वो तमाम सोसाइटी के लोगों को जो है वो दिखाते थे। फिलहाल अब इस यहाँ पर भी जो लगातार जो जीएसटी की टीम है और विभाग की जो टीम है, अलग अलग प्रशासन की जो टीम है वो पहुंच रही है, जांच पड़ताल जो है वो लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, नोएडा आज तक। देखिए जांच आगे चल रही है, तलाश हो रही है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। वहीं दूसरी तरफ एक्शन भी हो रहा है, चाहे अवैध निर्माण गिराना हो, चाहे जीएसटी की टीम के पहुंचना हो, लेकिन किस तरीके का डेवलपमेंट रहा है विस्तार से ये बताएंगे हमारे सहयोगी सईद अंसारी। बहुत धन्यवाद अर्पिता। दो बात यहाँ पर, पहले नेताओं का इसे संरक्षण था और पुलिस वालों से इसकी दोस्ती थी। 25,000 रुपए इनाम अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रख दिया है श्रीकांत त्यागी पर और नोएडा अथॉरिटी ने जो भी अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर चला दिया है, वहां पर यानी कि उसे तोड़फोड़ दिया है। 15 दुकानों पर छापा मारा गया है, इन दुकानों का किराया आता है, उसका टैक्स आप भरते हैं या नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम वहां पर लगातार पता लगाने की तैयारी में है। और जो आखिरी लोकेशन मोबाइल फोन की श्रीकांत त्यागी की मिली वो उत्तराखंड में मिली थी, लेकिन जबरदस्त एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन और पुलिस की तरफ से अब हुआ गया है। 10 बार त्यागी का फोन ऑन ऑफ हुआ, यानी कि वो फोन ऑन करता था फिर ऑफ कर लेता था, और जो आखिरी बार उसकी लोकेशन मिली है हरिद्वार में, हरिद्वार के बाद उसने फोन अपना ऑन किया था और उसके बाद फोन बंद कर दिया। कई सारी टीमें पुलिस की गठित कर दी गई हैं जो कि इसकी तलाश में हैं।
नोएडा, लखनऊ, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये वो चार जगह हैं जहां पर लोकेशंस मिली हैं, जहां इसने अपना फोन ऑन किया है, वहां से लोगों को फोन किया, जिन लोगों को फोन किया है उनसे भी पूछताछ होगी। अब उत्तराखंड का क्या कनेक्शन है, वहां पर फ्लैट जमीन है, सीएनजी पाइप लगाने का ठेका इसके पास है, मतलब बड़ा कारोबारी है ये, और अपने आप को नेता बताता है, बीजेपी से जुड़ा हुआ बताता है, सब कुछ फोटोग्राफ्स उसके हैं, पुलिस के साथ इसका काफी अच्छा संबंध है, पुलिस वालों से दोस्ती का रौब यह घाटा करता था, और इसी तरह नोएडा की एक सोसाइटी में इसने हंगामा किया, महिला के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और सारी अभद्रता की सीमाएं पार कर दी। नोएडा के सांसद महेश शर्मा खुद बहुत नाराज हैं, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई करने की मांग की है और करवाने की कोशिश शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने नोएडा के सांसद महेश शर्मा से बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है नोएडा से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। सर, सर सीधा सवाल यही है कि इतना डिले कार्रवाई करने के लिए क्यों लग गया, क्यों वक्त लगा जब इतना बड़ा मामला बढ़ गया? देखिए, कल परसों ये घटना हुई, कल शाम को जब वहाँ से डिस्ट्रेस कॉल आई वहाँ के क्षेत्रवासियों की, मैंने गृह सचिव जी से बात करी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए, चार मिनट के अंदर मेरे पास मैसेज आ गया कि कमिश्नर और जिलाधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं, वो पहुँचे वहाँ, तुरंत कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद आप देख रहे हैं सवेरे जो अनधिकृत निर्माण था उस पर भी कार्रवाई हुई। कभी कभी आप मीडिया के लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि बाबा का बुलडोजर सेलेक्टिव होता है, बाबा का बुलडोजर हर उस दोषी के खिलाफ है, वो धर्म, जाति, बिरादरी, राजनीतिक व्यवस्थाओं को नहीं देखता, और वह कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट उस पर लगाया गया है, मुझे बताया गया कि पुलिस की 8 टीमें दबिश दे रही हैं, लगातार दबिश दे रही हैं, और उसका भी परिणाम जल्द ही आएगा, मुझे ये भी पूरा विश्वास है। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, सभी बदमाशों को, सभी गुंडों को ये पता है और वो कानून के रास्ते से नहीं बच सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने कुल 12 घंटे के अंदर इतनी सख्त कार्रवाई हुई। प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इतनी देर तक संरक्षण दिया, इतना अवैध निर्माण जो हो रखा था, इतने डिले क्यों किया गया? देखिए, प्रियंका जी का वो जमीन की राजनीति नहीं करती है, जमीन की राजनीति का उन्हें नहीं पता होता। हमारे संज्ञान में परसों ये विषय जैसे आया, 48 घंटे आज भी होने बाकी हैं अभी, और किस तरह से हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने स्वयं संज्ञान लेकर कार्यवाही की है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी की, महिलाओं से किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की स्वीकार्यता उनके यहाँ नहीं है, जीरो टॉलरेंस है, और आप देख रहे हैं कितनी सख्त कार्रवाई हुई। मल्लिका जी, हालांकि शातिर है, फरार है, छापे मारे जा रहे हैं, और महेश शर्मा सांसद ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों से कहकर कार्रवाई करवाने की बात की। बिल्कुल देर से ही सही, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर अब एक्शन तेज होता जा रहा है। नोएडा से लेकर उत्तराखंड तक की पुलिस एक्शन में आ गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऋषिकेश के पास, हरिद्वार के पास उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी, पुलिस उस तक पहुंचती उसके पहले वो फरार हो गया। हालांकि उसके अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर वाली कार्रवाई भी हुई है। तेरे पति को जानते हो बनिए, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। तेरे पति को जानते हो बनिए, समझी? आखिरकार गालीबाज नेता एक्शन की जद में आ ही गया। आखिरकार दबंग नेता के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चल ही गया। आखिरकार बेगैरत नेता के घर तक बुलडोजर पहुंच ही गया। जिस गालीबाज नेता की तलाश नोएडा की पुलिस 3 दिन से कर रही है, उस तक एक्शन पहुंच गया। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, अवैध तौर पर बना पार्ट को ढहा दिया गया। आज सुबह सुबह ही नोएडा अथॉरिटी का एक्शन शुरू हुआ। पहले हथौड़े से अवैध निर्माण तोड़ा गया और फिर बुलडोजर ने बाकी काम को अंजाम दिया। हर एक अवैध कब्जों को तोड़ा गया, फिर चाहे घर के आगे बना बरामदा हो या फिर घेर कर बनाया गया पार्क। देखिए, और ये जो छत थी, जो छत हम लगातार दिखा रहे थे, अवैध निर्माण वाली छत श्रीकांत त्यागी की, उसको बुलडोजर ने ढहा दिया है। और बुलडोजर कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल भी बन चुका है माफिया और गुंडों के खिलाफ। शायद यही वजह है कि अथॉरिटी ने बुलडोजर को यहाँ पर लाकर यहाँ पर भी श्रीकांत त्यागी और उसके गुर्गों को ये मैसेज देने की कोशिश की है। तो बुलडोजर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि मैनुअली अगर मजदूर लगते तो शायद शाम लग जाती। ऐसे में बुलडोजर के एक प्रहार से जो ये अवैध निर्माण की जो छत थी
श्रीकांत त्यागी की वो एक बार में ध्वस्त हो गई है और फिलहाल भी बुलडोजर अगर आप देखिए तो बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है और अब चूंकि बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है, जो ऊपर की छत थी उसको ध्वस्त कर दिया है। ये लकड़ी के जो तमाम मोटे मोटे आलीशान काफी महंगे ये मिलते हैं, मैं आपको बताऊं, और इसी लकड़ी के कट्ठे से ये जो पूरा एक तरीके से कहें जो छत थी वो छत तोड़ दी गई है। नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा था और नेता से इतरा सोसाइटी के लोग तालियां बजा रहे थे। जब तक सूरज चांद रहेगा योगी मेरा नाम है। हम बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं योगी जी के सेक्शन में। ये पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ बट हुआ। आप क्या कहेंगे मैम? बहुत अच्छा हुआ, जो भी है लेट हुए हैं, अगर ये पहले सोए हुए बंदे पहले जागते इसको हटा देते तो इतना दंगा नहीं होता। आप क्या कहेंगे मैम? सर हम बहुत खुश हैं, देर है पर अंधेर नहीं और अति का अंत हुआ। गालीबाज नेता श्रीकांत के घर पर एक्शन हो गया, अवैध निर्माण मलबे में बदल गया, बरामदा छज्जा जमींदोज हो गया, कब्जे का पार्क बिखर गया, लेकिन गालीबाज की गिरफ्तारी अब भी बाकी है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक कुमार ने आज तक को ये बताया है कि लगातार श्रीकांत त्यागी अपनी लोकेशन बदल रहा है, उसकी तलाश के लिए सहारनपुर, मेरठ, गुरुग्राम तमाम जगहों पर छापेमारी हो चुकी है लेकिन अभी तक वो फरार चल रहा है। कल डराने धमकाने आए छह गुर्गों को जरूर पकड़ा गया है, इंतजार है श्रीकांत त्यागी के सलाखों के पीछे आने का। अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक।